क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.20। ए पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी माइनस 1 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल, अगर हम रेडियस डबल कर दें, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो कितना फ्लक्स उस सरफेस से लिंक होगा। और दूसरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। आपको पता है एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बनाता है, ऑल डायरेक्शन, इन्फिनिट डायरेक्शन में, बाहर भी निकल रहा होगा, अंदर भी जा रहा होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, और गॉसियन सरफेस बनाने के लिए मैं रेडियस ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर का ये हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया। तो इस पर भी फ्लक्स ऐसे ही जाएंगी, यही फ्लक्स जो अंदर से आ रही थी यही बाहर निकलेंगी, ऐसे यही फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस को लिंक करती हुई बाहर निकलेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे यही फ्लक्स गॉसियन सरफेस को लिंक करते हुए ऐसे बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये हमने 10 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बनाया गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर हम गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर दें, डबल, तो फिर कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर लेने के बजाय इसको मैं 20 सेंटीमीटर कर दूं, दिस इज 20 फ्रॉम सेंटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ऐसे ये 20 सेंटीमीटर का गॉसियन सरफेस, तो इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो आंसर है उतना ही जितना अंदर से आ रहा था, वही फ्लक्स इससे भी लिंक होगा। अंदर में अगर 100 लाइनें थीं, इस गॉसियन सरफेस के साथ लिंक हो रही थी 100 लाइन, तो इसके साथ भी कितनी लाइनें लिंक होंगी, 100 लाइन, क्योंकि अंदर से तो उतनी ही लाइनें आ रही थी। ठीक है, ठीक है, तो उतने ही फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, कुछ भी हो, जितना फ्लक्स एक गॉसियन सरफेस के साथ लिंक होता था उतना ही फ्लक्स दूसरे के साथ भी लिंक होगा। वो इसलिए क्योंकि गॉस लॉ हमको बताता है कि नेट फ्लक्स जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है अंदर में जो चार्ज इनक्लोज है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज नहीं बदल रहा तो फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, शेप चाहे कुछ भी हो गॉसियन सरफेस की। समझ में आई बात, गॉसियन सरफेस के शेप पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, आंसर जो अंदर में चार्ज इनक्लोज होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज बदलेगा तब फ्लक्स बदल जाएगा, और अगर चार्ज नहीं बदल रहा तो फ्लक्स भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम आंसर कोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड नॉट द शेप और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, अंदर का पॉइंट चार्ज कितना होगा जिसने बाहर फ्लक्स कितना बनाया है, इतना। तो हमको फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, हमसे चार्ज पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए इस फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो यहीं पर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं ले रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं ले रहा हूँ। फ्लक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, दिस इज 1 × 10³ इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज हमसे पूछा जा रहा है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 1 × 10⁻³, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमको चार्ज मिल जाएगा, और ये चार्ज आता है −8.85 × 10⁻¹⁹ कूलम, जिसको आप नैनो कूलम भी बोल सकते हैं। इतना चार्ज यहाँ इनक्लोज होगा, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड। ठीक है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड, अंदर में नेगेटिव चार्ज इतना होगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।